उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर में भिनेनी सैफन गांव में शारदा नहर पूरी तरह से फट गई है। नदी का एक बड़ा हिस्सा नदी से हट गया है और उसका फ्लो गांव की ओर मुड़ गया है। इसकी वजह से बड़ी तबाही आई है। इस तबाही में पेड़ उखड़ गए और आसपास की खेती तबाह हो चुकी है। शारदा नहर के फटने से कई गाँव में भारी तबाही मची है। हजारों हेक्टेयर की फसल डूब गई है। गाँव में पानी तेजी से घुस रहा है। बहुत तेजी से पानी बहने से हजारों की आबादी दहशत में है। ग्रामीण शारदा सहायक नहर को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कई गांवों में तबाही मचने की आशंका है। भिनेनी सैफन गांव के पास जहां शारदा नहर फट गई है, वहां से लगातार पानी गांव में भर रहा है। इसे रोकने के लिए नहर पर बने रेगुलेटर से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। आज लगभग दिन में 12 बजे के आसपास ये घटना हुई है, जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गांवों में घुसा है। इसमें तहसील बिसवा के 4 गांव हैं, जिसमें कि रुसहन है, मारकापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी भी गया हुआ है। इसके बाद हमारा तहसील महमूदाबाद लग जाता है, जहां पर ये पानी गया हुआ है। महमूदाबाद में विशेष रूप से एक बात पुरवा है और लुधौनी है, ये मजरा सद्दूपुर के हैं। इन गांवों में पानी गया हुआ है, तो महमूदाबाद से 380 लोगों को रेस्क्यू करके हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और वहां पर उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी है, प्रकाश की उचित व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार तहसील बिसवा से लगभग 150 प्रभावित लोगों को